ये फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम धनुषकोडी में और आप सभी को दिखाएंगे हम यहाँ पर कैसा यहाँ का मंजर है। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ से। 6 o'clock के बाद यहाँ पे एंट्री परमिट करते हैं पुलिस वाले। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या देखते ही नज़ारा बनता है, क्या मौसम है, क्या आसमान है और सब कुछ यहाँ पे कुछ बदला बदला लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये रोड के दोनों साइडों में समुंदर स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही एक अलग सा डिफरेंट नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो, आप देख रहे हो धनुषकोडी का नज़ारा। धनुषकोडी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, माना जाता है कि यहाँ पे धनुषकोडी में ये पूरा जो सेटअप था, पूरा विलेज था, एक बार यहाँ पे लहरें आई थी और जिसके कारण से ये पूरा तबाह हो चुका है। तो उसके यहाँ पे मंजर भी दिखाई देते हैं, काफ़ी मकान और काफ़ी जो पहले के बने हुए ढांचे यहाँ पे हैं सेम। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के जो फीलिंग्स है वो एक अलग सी ही, कुछ अलग ही जगह देखने को मिली यहाँ पे, कि ऐसी फीलिंग्स भारत में कहीं पे भी नहीं आएगी कि आप एक पूरा ही साइड में समुंदर देखने को मिलेगा और आपकी धरती ख़त्म हो जाती है और आप पूरे सारे समुंदर ही समुंदर आपको दिखाई देंगे दोनों तरफ से, जहाँ से आगे से कोई धरती है ही नहीं। एक अलग से अमेजिंग फीलिंग्स यहाँ पे आपको मिलेगी और ये आप देख सकते हो साथ ही साथ में कैमरे में दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड में बहुत ही शानदार समुंदर और क्या आकाश की क्या छवि आ रही है। देखते ही हमें एक अलग सा मंजर, एक अलग सी फीलिंग्स आ रही हैं कि भारत में ऐसी ऐसी जगह हैं। और हम यहाँ पे सूर्योदय के टाइम पर से थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन सूर्योदय होते हुए आप साइड में, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कितना अच्छा एक प्रकाश आते हुए समुंदर से सूर्य निकलते हुए, और साइड में प्यारी प्यारी लहरें जो दिखाई देते हुए। पुलिस की परमिशन नहीं मिलने के कारण हम यहाँ पे सूर्योदय से थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन आप सभी को हम दिखाएंगे कन्याकुमारी में जाकर सूर्योदय होते हुए और सूर्यास्त होते हुए, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर व्यू होगा। तो अभी हम दिखाते हैं आपको धनुषकोडी जाते हुए का सफ़र है ये हमारा, जो कि इस तरह का मंजर है, आप देख सकते हो। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन और आकाश दोनों मिल गए हैं और दोनों साइड समुंदर भी आ रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है साइड वाला और इस साइड वाला थोड़ा सा दिख रहा है। और तो गाइस, यहाँ पर एक तरफ तो इतना धीरे चल रहा है पानी, समझ भी ना आ रहा है क्या है, और दूसरी तरफ ऐसे लहरें आ रही हैं कि किसी इंसान को भी लेकर चले जाए। और यहाँ एक तरफ धनुषकोडी भी है, डेड टाउन, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर आई थी जिसकी वजह से सारे लोग मर गए। बस यहाँ पर 2-3 शॉप्स आपको दिखने को मिलेंगी, ज़्यादातर कुछ नहीं है। और ये लास्ट कोना भी है हमारे इंडिया का, यहाँ पर हमारा राम सेतु भी बनाया गया था। और गाइस, यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स नहीं है खाने वाने की, तो आपको खुद का खाना खुद ही पैक करके लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको अपना खाना खुद ही लाना पड़ेगा अगर खाना है तो। और हमने तो यहाँ पर पिकनिक भी बना ली थी, हम खुद का खाना लाए, वहाँ पर बैठा, पूरा अच्छे से चद्दर बिठाई, खाना खाया, बहुत अच्छा लगा था। आप यहाँ पर आ सकते हैं पर अपना खाना लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी की दूरी 17 किलोमीटर है, जो कि लगभग ऑटो में एक घंटे का टाइम लग जाता है और ऑटो वाले भी यहाँ पे काफ़ी महंगा चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कैमरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी नमी महसूस होने लग गई है और यहाँ पे इनके कुछ कच्चे बने हुए घर आ रहे हैं। तो ये देखो, रोड पे मोर आ गया, ओए होए, बकरियाँ छोटी छोटी और कच्चे कच्चे घर आप देख पा रहे हो। और ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये लाइट हाउस। सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो, और ये कहाँ पे गाड़ी आगे खड़ी हो गई आप देख लो, दोनों तरफ पानी है और ये सब खाते हुए भैया फोटो खींचिए मेरा।
पापा का फोटो खींचो भाई, पापा का जा जा नहीं पे। ये आपको दिखा रहे हम लंबा आ गया पापा जी, मैं खींचता हूँ आपकी फोटो, मम्मी आएगी तब तक तो सूर्य निकल जाएगा। चलो आ गया बीच में, ये लो लो जल्दी। अरे दोनों बच्चे आ जाओ मेरे, तुम्हारे भी सूर्य के साथ कह दूं। नहीं चाहती नहीं, मेरे को लाइट होना है। हां चलेंगे भी बेटा, अब थोड़ी चल रहे हैं, ये ले पापा की फोटो खींच दे, चल तू साथ में सूर्य कर ले। मैं इसको बंद कर रहा हूं अभी, ठीक है। देखो पानी, ये है सिंपल पानी और वहां पर है चारों वाला समुंदर। तो ठीक है, अभी हम चल रहे हैं राम सीतू के पास। बाय।